आज के बाद मंदिर या मस्जिद या गिरजाघर या जिनालय जाने का, और अगर जाने का तो कौन से भाव से जाने का, और अगर उनके विधि जो करते हैं या सालों से करते आए हैं उसको कितना इम्पोर्टेंस देने का, शुड वी एग्री विद दैट और डिसएग्री विद दैट और रिमेन आई डोंट नो व्हाट। हाँ, हम तो जाते हैं, हम भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं और गिरजाघर भी जाते हैं और चर्च में भी जाते हैं, पुराने माता जी के मंदिर में भी गए, अंबा जी का या किधर भी गए, और देरासर में भी जाते हैं, जिधर जाते हैं। अभी वो कैसा है कि हमारी फाइल है उतनी ही हमारे सामने है, हम बोलते हैं हम जाते हैं और हमें जाना है और हमें नहीं जाना है, यह सब हम निकल, अब हमारा निकल गया, नाउ वी आर उसमें से हम निकल गए बाहर, अभी तो हमें देखना कि हमारी फाइल है तो चलो जाओ, नहीं है तो मत जाओ, यानी फाइल ही आपको खींचेगी, संजोग सर्कमस्टेंसेस आपको ले जाएंगे, यू जस्ट वॉच मॉटर, वहाँ आपको नहीं जाना है ऐसा भी नहीं है और जाना है ऐसा भी नहीं है, सर्कमस्टेंसेस आए तो जाओ, दैट मीन्स यूर फाइल है उसको क्लियर करो। हाँ, अभी उसमें भगवान कोई भी भगवान रहे तो उसके दर्शन किस तरह से करोगे, वो अभी सम्यक दृष्टि प्राप्त करने के बाद किस तरह से दर्शन करना चाहिए, कोई भी भगवान रहे तो उसकी रीत सीख लो, हम भी दर्शन करते हैं, नहीं करते, सब करते हैं, भगवान उधर मिंटो में सब भगवान थे, वहाँ सबके दर्शन किए हमने, तो किस तरह से किए हमने, तो यह जो नीरू बहन है वह सिमंदर भगवान की प्रतिमा के पैर छूती है, वंदन करती है, जो भी कुछ करती है वो करने वाले नीरू बहन रिलेटिव है, और जो प्रतिमा है वो भी तो रिलेटिव है, रियल स्वरूप तो नहीं है, रियल स्वरूप तो केवल ज्ञान स्वरूप है उनका, परमात्मा स्वरूप, पूर्ण परमात्मा स्वरूप, मेरा रियल स्वरूप है शुद्धात्मा, वही परमात्मा, रियल स्वरूप, रियल स्वरूप से अभेद है, और रिलेटिव स्वरूप नीरू बहन का, यह रिलेटिव स्वरूप सिमंदर स्वामी का है, भगवान स्वरूप मानकर उसको रिलेटिव रिलेटिव का दर्शन करता है, मूर्त मूर्त को दर्शन करता है, अमूर्त अमूर्त को, यानी मैं शुद्धात्म भाव से उनके परमात्मा स्वरूप को अभेदता से, एकता से, एक ही स्वरूप हो जाता है, एकता से करने का ही नहीं रहता है, वहाँ अभेद हो जाते हैं, नहीं रियल रियल्स का एक नमस्कार है और रिलेटिव रिलेटिव का नमस्कार है, रियल में नमस्कार करते ही एक ही हो जाते, एक ही होता है वो, दृष्टि से हम देखें तो एक ही स्वरूप हो जाता है, और रिलेटिव से रिलेटिव का नमस्कार करने से हमारा जो रिलेटिव में अहंकार जो रहा है डिस्चार्ज अहंकार उतना डाउन होता है झुकने से, किसी को भी भगवान को झुको या किसी इंसान को झुको या अपनी फाइल नंबर 2 को झुको तो उससे हमारा अहंकार डाउन होता है, जाता है, जीरो करने का इजी रास्ता है क्या, क्योंकि अहंकार ही हमको दुख देता है, अहंकार ही हमको संसार में भटकाता है, तो उसको निकालने के लिए क्या कौन सा रास्ता है, तो उसको झुकाओ, उसको जितना अहंकार हमारा कोई तोड़ता है, अहंकार को डैश करता है या उसको तोड़ता है तो उसका उपकार मानो, को वाह वाह जिस चीज़ के लिए, इस अहंकार को तोड़ने के लिए मेरे मुझे पुरुषार्थ करना पड़ता था, कितना तरह एक्सरसाइज करना पड़ती थी, सामाय करनी पड़ती थी, प्रतिक्रमण करना पड़ता था, तो ये तो महा उपकारी है मेरी फाइल के, जिसने मुझे मेरा अहंकार तोड़ दिया और उतना मुझे मुक्त कर दिया, तो ये सबका रूट कॉज अहंकार है, जहाँ जाओगे वहाँ जब शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा हूँ और सामने वाला शुद्धात्मा ही है और ये फाइल है, उससे मुझे छुटकारा छुटना है, संभाव से निकाल करने से, इस संभाव से निकाल करने की चाबी पकड़ के रखे और शुद्धात्मा दृष्टि रख से तो अहंकार का बीच में स्थान आता ही नहीं है, अहंकार बीच में से जाता है, मैं राइट हूँ, मैं करेक्ट हूँ, मेरा ही सच है, मैं कहता हूँ वही बराबर है, तो अहंकार हमको पकड़ लेता है, हमको पकड़ लेता है तो हमको दुखी करता है, हमारी वजह से सामने वाले को भी दुखी करता है, और यह सब रिलेटिव सत्य है, क्या रिलेटिव सत्य यानी क्या,
ये वर्ल्ड में जो भी कुछ है वो सारे रिलेटिव सत्य है, रियल सत्य नहीं है। रियल सत्य तो एक ही है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। रिलेटिव सत्य यानी व्यू पॉइंट के सत्य। फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, 360 डिग्री का सर्कल होता है ना, सर्कल में तो हर कोई अपने अपनी डिग्री पर बैठा हुआ है। कोई कोई 300 पे है, कोई 200 पे है, कोई 250 पर है, कोई 350 पर है, कोई 100 ऊपर है, कोई 10 ऊपर है। हर कोई अपने अपनी डिग्री पर बैठा हुआ है। जो जिस डिग्री पर बैठा है उसको उसकी डिग्री का व्यू पॉइंट उसको फिक्स हो गया है और वो ही उसको दिखता है। इसलिए उसको ऐसा लगता है कि मेरा ही करेक्ट है, आई एम राइट बिकॉज आई कैन सी। सामने वाले को कहेगा कि नहीं, वो कहे उसको भी उसका ऐसा ही सेम है हमारे जैसा। वो जो डिग्री पर बैठा है उसको लगता है मैं दिखता हूँ, वो मेरा करेक्ट है। हकीकत में दोनों अपने अपने व्यू पॉइंट से करेक्ट हैं, फैक्ट से दोनों रॉन्ग है। फैक्ट तो सेंटर में है, सेंटर वाले को किसी के साथ डिफरेंस हो ही नहीं सकता क्योंकि सब सब रहे ऑल रेड आई आर इक्वल फॉर सेंटर। तो सेंटर वाला हर एक का व्यू पॉइंट देख सकता है और व्यू पॉइंट बैठा हुआ वाला सामने वाला का नहीं देख सकता है, उसको अपना ही दिखता है। तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होने का रूट कॉज ही यही है, व्यू आर बिकॉज एवरीवन इज स्टक ऑन हिज ओन व्यू पॉइंट। तो ये जे समझदारी से जितना हम चले तो हमारा हम वहाँ से छूट सकते हैं, हम स्टक नहीं होते हैं, रिजिड नहीं रहते हैं हमारे व्यू पॉइंट से। हाँ, हम हमारा व्यू पॉइंट बता सकते हैं, एवरी वन हैज राइट टू से हिज ओन व्यू पॉइंट, पर लेकिन आग्रह बगैर वॉट आई कैन सी। हम तो कहते हैं ना, हम जो बात बताते हैं, दादाजी भी कहते थे और हम भी कहते हैं कि वॉट एवर आई से, हम जो भी आपको तत्व ज्ञान बताते हैं वह हमें जो अनुभव में आता है वह हम आपको बताते हैं। हाँ, हमारा ऐसा कोई आग्रह नहीं है कि आप हमारी बात मानो ही नहीं। आपका आपका आत्मा माने, आपके अंदर जचे तो आप उसको स्वीकारो। आपको बिल्कुल फिट नहीं होता है तो साइड पे रख दो, नो प्रॉब्लम। लेकिन आग्रह से कोई बात नहीं बनती है। मुझे कुछ आपकी बात एक्सपीरियंस में लाती है, इट मेक्स सम सेंस, तो आप एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो कैसे करेंगे, नहीं तो नहीं हो गया। इस तरह से जाने का है, हर किसी के साथ इस तरह से ही पेश आने का है। और हम तो हम किस तरह से सब हर किसी के साथ डील करते हैं। आप तो घर घर में दो जने हैं, हमारा तो परिवार कितना बड़ा है, ऑल ओवर वर्ल्ड, जहाँ जाओ उधर हर जगह तरह तरह के आदमी, तरह तरह के खोपड़ियाँ। हमारा हमारी खोपड़ी तोड़ डाले ऐसे भी क्वेश्चन करने वाले आते हैं। तो भी हम यही इस तरह तरह से हम किसी के हम किसी कोई गलत है ऐसा देखते ही नहीं, उसके व्यू पॉइंट से बोलता है इज राइट। हमको कोई कहेगा कि तुम ढोंगी है, नालायक है, ऐसे है वैसे, तो भी हमको गलत नहीं लगता है, इज राइट इसके व्यू पॉइंट से। यू आर नॉट एट ऑल, हमको कोई गलत बोल रहा है कि उसके लिए कुछ अभाव हो गया, कुछ नहीं होता है। हाँ, हमको हम उस समय हम हमारा ही चेक करेंगे कि कोई हमको इस तरह से गालियाँ देता है तो अंदर हमको क्या इफेक्ट होती है। जस्ट शुद्धात्मा सीट में रहकर हम हमारी फाइल नंबर वन को ही वॉच करते हैं। अगर उसको कुछ इफेक्ट हुई तो हम कहेंगे वाह वाह, बड़े बड़े ज्ञान की बातें कर रहे, तुम ही निरूपण कितने कच्चे है, पक्के हो जाओ। और करेक्ट रहा, नो इफेक्ट, हम कहेंगे वाह वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। हमारा पड़ोसी है ये, तो पड़ोसी कभी सीधा भी चलेगा, कभी टेढ़ा भी चलेगा। हमारा फर्ज, अभी शुद्धात्मा का फर्ज क्या है, इसको रास्ते पे नहीं चलाओ, मोक्ष के रास्ते पे चलाओ, हम इसको गाइड करो। अभी तो हम कहेंगे वैसा चलेगा। और इस गाइड के लिए, गाइडेंस के लिए पांच आज्ञा अल्टीमेट चीज़ है, और कोई किताब खोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पूछने जाने की भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ आती है तो सिर्फ देख लोगे पांच आज्ञा में, मैं जो फॉलो कर रहा हूँ अभी, वो मेरे पांच आज्ञा में आता है या नहीं आता है। नहीं आता है तो वॉट एवर वॉट वॉज आई वॉज डूइंग टोटल रॉन्ग, छोड़ो। पांच आज्ञा में क्या कहते हैं तो चलो वो फॉलो करो।
तो ये लाइफ इतनी स्मूथ हो जाएगी, किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, प्रेम प्रेम और प्रेम ही रहेगा। किसी की जंग प्रेम क्यों नहीं दिखता है, क्यों नहीं बाहर आता है सच्चा प्रेम? क्योंकि जो हमारे नज़दीक के हैं, हमारे अपने हैं, जिसके लिए हमने सारा जीवन निकाला है, बहुत तो अपने वाइफ है, अपने बच्चे हैं, उनके हम दोष कितने देखते हैं सुबह से शाम तक, कितने उनके फॉल्ट्स देखते हैं। तो जिसके हम फॉल्ट्स देखें उस पर हमें प्रेम कैसे आएगा? वो कहते हैं प्रेम प्रेम, हमको बहुत प्रेम, दिस नॉट रियल प्रेम, वो आसक्ति है, मोह है, गरज का सौदा है। सच्चा प्रेम है तो कभी किसी के फॉल्ट नहीं दिखते हैं, उसकी गलती नहीं दिखते। और गलती अगर वो करे ना तो हमारे दिल में ऐसा रहेगा कि मैं किस तरह से उसको इस गलती में से बाहर निकालूं, उसको हर्ट ना हो उस तरह से। आप हर्ट करोगे तो चंद्रिका को हर्ट करके उसके सुधारने जाओगे तो वो सुधरेगी, फिर वो भी आपको सुधारने जाएगी। लो कौन किसको सुधारे, दांत दपट के उसको सुधारने जाए तो दपट दांत दपट करता है वो, पहले करता होगा। अरे बोल दे जो है सो सच्चा, घर जाकर कुछ गड़बड़ की तो बोल देना मेरे को। नहीं गिर रहा है, अच्छा है। कपट तो मैंने उसके साथ एक दो बार करी होगी, लेकिन उसके साथ मैं जागृत होकर उसका प्रतिक्रमण करते रही, लेकिन कोई बार उसका गुस्सा भी आ जाता था तो उसके साथ मैं प्रतिक्रमण भी इतना करती थी। अभी तो सभी कुछ शांत हो गया है, अभी ज्ञान से बहुत फर्क हो गया है। ज्ञान ही काम करेगा, ज्ञान से ही, ये ज्ञान और आज्ञा अगर जितना अप्लाई करोगे लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। यस बा, आज पशी आज के बाद फिर अभी वो पूजा पाठ करने का कि नहीं करने का, विष्णु सहस्त्र नाम बोलने का कि नहीं बोलने का, शिव महिमा स्तोत्र बोलने का कि नहीं बोलने का, जो पहले से बोलते आए, या नहाने के बाद माला करने का कि नहीं करने का? आपकी अगर बोलने की फाइल रही तो बोलो, लेकिन कौन बोल रहा है? फाइल नंबर वन, मैं शुद्धात्मा, शुद्धात्मा नहीं बोल रहा है। और आपको लगेगा कि नहीं इसके कोई ज़रूरत नहीं है, तो ना बोले तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बोले तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना बोले तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अपनी आदत है और मन अपना हिचकिचाता है, नहीं बोलने का नियम क्या है तो बोलना ही है। तो बोलने वाला फाइल नंबर वन, क्या नाम है आपका? परेश बोलता है, पाठ करता है, पूजा करता है, जो भी कुछ परेश करता है। अभी जरूर नहीं है, करना है तो करो, ना करना है तो मत करो। ये सब काय के लिए सब करते थे? आत्मा प्राप्त करने के लिए, और जीवन में हमको शांति मिले और हमारे से दूसरे को शांति मिले। अभी वो अपना मिल गया तो फिर करने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे लोग ये जो पाज पुटा पूजा ऐसा सब काय के लिए करते, कुछ भौतिक चीज़ें मांगने की मांगते, सौदाबाजी करते भगवान के साथ, इतना पाठ करूँगा, इतनी माला करूँगा, इतना जप करूँगा तो मेरा इतना इतना अच्छा कर देना। ये अभी हमको नहीं चाहिए, दैट वी आर आउट ऑफ ऑल दिस थिंग। घर में शांति हो जा रही, शांति वो पाठ करने से नहीं होती है, शांति पाठ करने से शांति नहीं होती है, शांति समझने से होती है। भाई ये पाठ में ही तो ऐसा लिखते हैं, बोलो क्लोजिंग लाइंस आर ऑलवेज लाइक दैट। वो तो लिखेंगे ना उसके, हनुमान चालीसा इल्टे इसको 108 बार करो एंड समथिंग हैपेंस, यू टेक गणपति स्तोत्र इज रिटन लाइक दैट। पर मुझे कुछ चाहिए ही नहीं तो फिर क्या को करने की जरूरत है? वो If I want, then I will do. मुझे कुछ I don't want and हाँ, मैं हनुमान जी को दिल से नमस्कार करूँगा, उनके शुद्धात्मा को, उनके पद को, उनकी भक्ति को, सबको, रियल व्यू पॉइंट से और रिलेटिव बोथ व्यू पॉइंट से मैं उनके दिल से नमस्कार करूँगी। फिर महावीर भगवान हो, उनके पूर्ण केवल ज्ञान स्वरूप को नमस्कार है, मुझे वो पद प्राप्त चाहिए। रामचंद्र जी को नमस्कार करूँ, वो मोक्ष में बैठे हैं तो मुझे वो पद में जाना है उनका। और रिलेटिव में उनका आदर्श जीवन व्यवहार जितना है उतने व्यवहार को भी मैं आदर से, रिस्पेक्ट, आई रिस्पेक्ट फॉर दैट, उसको भी मेरा नमस्कार है। हर किसी कृष्ण भगवान हो के सबके लिए फुल रिस्पेक्ट है, माता जी सबके लिए मैं फुल रिस्पेक्ट है, लेकिन आई डोंट वांट एनीथिंग, सो दैट्स व्हाई आई डोंट वांट एनी पार्ट। माय वर्शिपिंग इज़ डिफरेंट, मेरा उनके प्रति हाई रिगार्ड्स है, उनके एक एक करेक्ट बात को मेरा हाई रिगार्ड्स है, पॉजिटिव बात को, मुझे उनके पास से कुछ नहीं चाहिए।
आप जो कर रहे हैं काम करो, आप क्या काम कर रहे हैं लोगों को हेल्प करने को, सुखी करने, हम भी वही काम कर रहे हैं। आपको लगेगा कि हमारा तुम्हारा हमारा काम एक है, तो आप आ जाओ, अच्छा लगे तो आ जाओ, या हम आपके लिए, हम आपके सहाय के लिए खुश हैं, लेकिन इसके लिए संसार की कोई चीज़ के लिए हमें नहीं कुछ चाहिए। समझ में आया ना? ये मैच्योरिटी जो ये पाठ पूजा करते हैं या कुछ जाप करते हैं या नियम करते हैं, व्रत करते हैं, उसके पीछे कुछ यही बटन दबाया गया होता है कि उसके पीछे रिटर्न में हमें कुछ मिले। और ये कोई देता बेता नहीं है, ये सब हमारी मान्यता ही है, कोई देता नहीं है, उसके हाथ में सत्ता ही नहीं है, तो फिर कर्म का सिद्धांत पूरा नलीफाई हो जाता है। अगर हमारी मान्यता करने से, बाधा रखने से हमारा कुछ अच्छा हो जाता हो, तो फिर कर्म का सिद्धांत कहाँ चलेगा? होगा तो उनकी कृपा से, उनकी हेल्प से कुछ होगा, हमारे इसमें होगा, कर्म में होगा, तो उनका एक एविडेंस मिलेगा तो काम बनेगा, लेकिन न होल एंड सोल कोई वर्क नहीं है। कृष्ण भगवान की मान्यता लगे, उनको भी कितने प्रॉब्लम आए थे, नहीं आए थे। हनुमान जी की कितनी मान्यता रखते हैं, अरे हनुमान जी को जाकर रोज नमस्कार करते, कहते हे हनुमान जी मुझे बहुत शैनी ब्यूटीफुल वाइफ दिलाना। अरे बका वो ब्रह्मचारी, उसको वो कहाँ से ला के देगा? निरुमा, अभी आपने बताया कि एक बार अगर हम मनुष्य गति में आ गए तो फिर तो बार बार आते ही रहते हैं। तो सपोज यहाँ हमने ज़्यादा कर्म किए और हम नरक में चले गए, वहाँ हमने जो हमारे कर्म है वो हमने शांति से नहीं ख़त्म किए, वो भी हमने हाय हाय करते करते ख़त्म किए, जो हमें दुख भुगतना है वो भी शांति से नहीं भुगता, तो फिर वहाँ तो आयुष्य बढ़ेगा कि वहाँ वो फिनिश करके फिर फिनिश करके आते हैं शांति से? नहीं, वहाँ हाय हाय करके भुगत के, खूब भुगत के ही जाने का वो गति है। अच्छा, वो पहले से फिक्स ही होता है, यानी वो पहले से फिक्स ही होता है कि आप ऐसे भुगतो के और वहाँ आपका इतना आयुष्य होगा? नहीं, जब बांधते हैं तब फिक्स होता है। अच्छा, वहाँ जाने के बाद जो बांधा है उससे बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है? नहीं। अच्छा, और इस जन्म में हमें ये सब हाँ इतना रहता है कि जिसको आत्मज्ञान रहता है वहाँ उसको भुगतने में फर्क हो जाता है। शरीर भुगत रहा है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मुझे नहीं हो रहा है, ये अवेयरनेस रहती है। वहाँ भी जिसको ज्ञान हुआ है वो संकेत के साथ जाने वाले को रहता है। और यहाँ हमें ये आप जैसे ज्ञानियों का संग मिला, ये सब जानने को ये मिला, ये एक हमारा बड़ा सौभाग्य ही है। तो वो हम अगले जन्मों में कुछ, पिछले जन्मों में कुछ अच्छा किया होगा, उसकी वजह से ही ये सब मिलता है। सवाल ही नहीं, उसको कहते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य। बहुत कितने जन्मों जन्म से पुण्यानुबंधी पुण्य मोक्ष के लिए इकट्ठी करते करते आए हैं, तब यह रास्ता मिलता है। क्या पुण्य तो बांधते हैं, लेकिन पुण्य बांधते बांधते नया, अभी पुण्य भुगत रहे हो और नया पुण्य बांधते, उसको पुण्यानुबंधी पुण्य कहते हैं। लेकिन वो नया पुण्य बांधने का हेतु क्या है? तो संसार में से छूटने का ध्येय के साथ बंधा गया हुआ। तो पिछले इसका मतलब ये हुआ ना कि पिछले जन्मों में भी हमने बहुत मेहनत की है इसके लिए, उसकी वजह से हमें इस जन्म में भी यही लक्ष्य रहता है कि हमें यहाँ से जाना है। जरूर, तो नहीं तो किसको कहाँ किसको पढ़िए कि चलो आत्मा ज्ञानी आए हैं, चलो सत्संग करने जाएं, यहाँ करें, मजा करते हैं अपने जीवन में। तो ऐसा होता है कि पास्ट लाइफ में हमने ज़्यादा उसका पुरुषार्थ किया हो ये पाने के लिए, और इस जन्म में कम हो गया हो, कि बढ़ता ही रहता है? हमें कैसे पता चलेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं कि डाउन होते जा रहे हैं? उसका फल आया और आपको ये मिला ज्ञान। अभी ज्ञान मिलने के बाद, पुरुष होने के बाद पुरुषार्थ अब शुरू होता है। पांच आज्ञा में रहो, शुद्धात्मा में रहो, यही आपका पुरुषार्थ है। अभी डाउन की क्या बात है, अभी अपी जाने की बात है। नया कर्म तो बंधेगा नहीं, तो पुराने निकालो, साफ करो, उसको क्लियर करो।
आज्ञा में रह के नेगेटिव पीछे सोचो ही मत, तो ये मिलने के बाद क्यों डाउन की बात सोचो। निरुमा, शुरू में हम लोग विचार के बारे में कुछ बातचीत कर रहे थे, तो इसके संदर्भ में प्रश्न ये है कि विचार शून्य दशा पॉसिबल है? विचार शून्य दशा किसे कहते हैं? कि जो विचार आते हैं उन विचार को गेय और मैं देखने वाला ज्ञाता, ये संबंध उसमें सारा जारी रहता है, उसमें तन्मयाकार नहीं होता है, लेकिन उसको गेय की ओर से देखता है हर विचार को, कोई विचार की असर उस पर नहीं होती है। समझ में तो असल में निर्विचार दशा इसको उसको कहते हैं। कई कहते हैं ना कि बिल्कुल विचार ही बंद हो जाए उसको निर्विचार दशा कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो उसे कहते, ये रियल निर्विचार दशा नहीं है, वो तो फिर बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, उसका फेस है तो तड़बूज जैसा हो जाएगा, कलिंगड़ जैसा, बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस, ना हंस ना स्माइल ना रिस्पॉन्स ना कुछ, जड़ जैसा हो जाएगा, ह्यूमन जैसा नहीं लगेगा। और एक प्रश्न ये है कि ध्यान किसे कहते हैं? ज्ञान, रियल ज्ञान उसे कहते हैं कि जो स्वयं क्रियाकारी हो और जो हमेशा हाजिर हो। एक बार रियल ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो जाता नहीं है, साथ में ही रहता है और वह हमेशा हर्ष और शोक के समय हाजिर रहता है और दोनों से हमें मुक्त रखता है, आत्मा के ही आनंद में रखता है, बाहर वाले बाहर वाले नहीं।